मैं डॉक्टर आरपी सिंह होम्योपैथी चिकित्सक आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो मेरा वीडियो देखें। मैंने अब तक लगभग सभी रोगों के लक्षण अनुरूप उपचार वाली वीडियो बना रखी है। यदि आपको परामर्श लेना हो तो मेरे क्लिनिक पर आएँ। मैं आपको होम्योपैथी की दवा बायोला ट्राइकलर के सिम्टम्स और यूजेज बताने जा रहा हूँ। इस औषधि का मुख्य व्यवहार बचपन के अकौता रोग में स्पष्ट सपनों के साथ में वीर स्खलन के लिए होता है। सिर का भारी होना, आगे की तरफ दबाने वाला दर्द, ग्रंथि फूलने के साथ खोपड़ी का अकौता, चेहरे का गर्म और खाने के बाद पसीना अत्यधिक हो, गला अधिक बलगम खखारना पड़े, हवा में अधिक निगलना कठिन हो जाए, मूत्र अधिक गंध खराब बिल्ली की गंध जैसी मूत्र का गंध हो, पुरुष में लिंग के अग्रपटल का फूलना, लिंगमुंड में जलन, खुजली, मलत्याग के समय वीरस्खलन हो जाए, चर्म खुजलीदार, पीली पपड़ीदार फुंसियों के साथ, चर्मदल, असह्य खाज, जलन, खुजली के साथ स्फोट खाज का चेहरे और सिर पर, रात में अधिक मोटी पपड़ी जो चिटकती है और उनमें से चिमड़ा पीला मवाद निकले, अकौता युक्त खुजलीदार पीली फुंसियों के साथ पपड़ीदार चर्म रोग, चेहरे पर बाल झरना, इसके लक्षण हैं। रोग का घटना और बढ़ना। रोग बढ़ता है जाड़े में और 11 बजे दिन में, तो इस दवा का प्रयोग करें। इस दवा की मात्रा अरिष्ट से 30 नंबर तक अत्यधिक प्रयोग में लाई जाती है। इस दवा की तुलना रस्टक्स, कैलकेरिया और सीपिया से की जाती है। धन्यवाद।